अगर आप सलमान खान के अंधभक्त फैन हैं तो कृपया इस वीडियो से दूर रहें, धन्यवाद। तो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। तो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं इस सदी के एक ऐसे महान डोकर मियां के बारे में जिनकी एक्टिंग को देखकर लोग बस यही बोलते हैं, क्योंकि इनकी एक्टिंग बिल्कुल सोनम कपूर के पति की तरह है। एक महामारी तो झेली नहीं जा रही है भाई, दूसरी और लेकर आ गए। और इस मूवी का ट्रेलर देखकर हम बस एक ही बात कहना चाहेंगे, खुले में हकना बंद करो। और वहीं जी स्टूडियो वालों का कहना है कि ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। इस मूवी में सब कुछ कॉपी है, स्टोरी तो कॉपी, पोस्टर तो कॉपी, सॉन्ग्स तो कॉपी, और तो और हमारे डोकर मियां ने एक्टिंग भी कॉपी की है, और वो भी अपने भाई से। मेरा मतलब भाभी का बॉयफ्रेंड भाई ही तो लगा ना। तो आओ यार, बात करते हैं इस मोस्ट अनवांटेड भाई के मूवी के ट्रेलर की। मुंबई शहर में ड्रग्स के नशे के कारण हर रोज युवाओं की मौत हो रही है। अबे यार, कुछ नया बताओ। ये बॉलीवुड वाले भी ना अपने ही रियलिटी अपनी मूवीज में डालकर दूसरों को दिखाते फिरते हैं। अभी तो सिर्फ 3 इंच घुसाया है, इससे ज्यादा ये डोकर मियां घुसा भी नहीं सकते हैं। इसी वजह से इनकी सारी गर्लफ्रेंड्स इनको छोड़कर चली जाती हैं। अगर अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है इस फनकार ने, तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। ऐसा काम तो सिर्फ वही कर सकता है जिसका दिमाग लंड की जगह पर हो, लंड दिमाग की जगह पर हो। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तुम्हारे 10वीं पास होने से पहले या तो वो जेल के अंदर होंगे या जमीन के अंदर। ना तो वो जेल के अंदर होंगे और ना ही वो जमीन के अंदर, क्योंकि कैंसल कर दिए। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। गलत है, क्योंकि एक बार जो भाई ने गर्लफ्रेंड बना ली, उसके बाद तो वो इनकी ही नहीं सुनती है। आई विल क्लीन दिस सिटी। अरे भाई, आपकी साफ सफाई करने का तरीका तो हम पहले ही देख चुके हैं, मेरा मतलब फुटपाथ पर, जंगल में और बॉलीवुड में भी। और ये एक्शन सीन भाई से न करवा के इनके ड्राइवर से करवाना चाहिए था तो और मस्त होता। ले भोसड़ी के बेटे, बेटे, ओ बेटे माज कर दे। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। और अच्छा हुआ डायलॉग ये नहीं था कि आई विल क्लीन द जंगल, नहीं तो भागो बेंचोद, भागो भागो भागो। वैसे यार, एक बात समझ में नहीं आई, उस हिरन की डेड बॉडी आखिर गई तो गई कहां? तो अब बात करते हैं इस मूवी के सॉन्ग्स के बारे में जिसमें हमारे डोकर मियां ने क्या मस्त डांस किया है। मिर्गी का रोग बहुत ही खतरनाक होता है, जिसको ये रोग हो जाता है वह जिंदगी में असहाय हो जाता है, पराधीन हो जाता है गाड़ी चलाते समय, ड्राइविंग करते समय। अरे बाबा जी, ये मिर्गी नहीं, ये तो सलमान भाई का डांस करने का तरीका है। और जरूरी नहीं कि जो सही से गाड़ी ना चला पाए उसको मिर्गी आती हो, कुछ लोग बिना मिर्गी के भी। अच्छा जैकलिन जी, एक बात बताइए, आप झाड़ू कैसे लगाती हैं और पोंछा कैसे लगाती हैं? तब एक भाई वहां बवासीर की दवाई देते थे, हमने पता किया कि भाई देते क्या। 3 दिन में मैक्सिमम लोगों की बवासीर की समस्या दूर हो जाती थी। अरे बाबा जी, आप फिर आ गए, यहाँ डांस स्टेप की बात चल रही है और आप है कि बीमारियों के नाम लिए जा रहे हैं। अब बाबा जी करें तो करें क्या, हमारे भाई डांस स्टेप करते ही ऐसे हैं जिनको देखकर बाबा जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस तरह सांप के सिर पर मणि जरूरी है, ठीक उसी तरह भाई के लिए ये हथकड़ी जरूरी है, इसके बिना तो ये सांप कुछ भी नहीं है। और इस मूवी की एक्ट्रेस का नाम है दिशा, पता नहीं इनके बारे में मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता हूँ, बस इतना ही बहुत है कि इन्होंने इस मूवी में कपड़े पहने हुए हैं। नचले, नचले। ये भी कोई डांस स्टेप्स है, दूध से दही बनाना, कोई इनसे सीखे।
तो यार आज के लिए बस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारी लुगाई की कसम है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।